नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अमोल राउत और आज हम देखने वाले हैं Redmi Note 3 32 GB मॉडल के गोल्ड वेरिएंट का अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने गोल्ड वेरिएंट MI.com से मंगाया है। फिलहाल की डेट में Redmi Note 3 काफ़ी हॉट केक्स की तरह लिया जा रहा है और कंपनी से बेचा जा रहा है। हालांकि कंपनी तो ये है, ये बिल है जो कि MI की तरफ से मिला है हमको, तो इसको साइड में रख देते हैं। तो ये है और Redmi Note 3 का बॉक्स, इस पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर ही हमको स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 650 हेक्साकोर जो कि 1.1 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता है। डिस्प्ले है 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो कि HDIPS है। कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, रियर फेसिंग जो कि PDAF को सपोर्ट करता है और फ्रंट है 5 मेगापिक्सल का। बैटरी है 4000 और जिसको हम 4050 mAh भी बोल सकते हैं, जो कि लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी है और OS है MIUI एंड्रॉयड बेस्ड। इस पर देखिए स्टिकर भी है कि मेड इन इंडिया है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो प्राइस है 11,999 रुपये। तो चलिए फटाक से इसको हम ओपन कर लेते हैं। चलिए गोल्ड कलर ओपन कर लेते हैं। वाओ, गोल्ड कलर जो कि बहुत ही रिच लुक में दिया गया है। चलिए इसके जो रैपर है उसको निकाल लेते हैं। बहुत ही रिच कलर और फ्रंट का भी एक फ्रंट से भी एक जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी हम निकाल लेते हैं। बहुत ही सॉलिड बिल्ट है, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। देख लेते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्स में है सिम इजेक्टर टूल, ये Redmi Note 3 का इंफॉर्मेशन का एक कार्ड है, ये भी इंफॉर्मेशन के सार वैल्यू। और इसमें हमको मिला है एक 3.5 mm 2 USB केबल जो कि काफ़ी मजबूत है। और यहाँ पे है एक चार्जर, देख लेते हैं चार्जर कितना, 5 वोल्ट एट 2 amp ऐसा दिख रहा है। ये देखिए आउटपुट यहाँ पे है, तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। बस बॉक्स में इतना ही है, बाकी कुछ और नहीं है। तो ये हमारा गोल्ड कलर Redmi Note 3। तो इसका फिजिकल ओवरव्यू हम ले लेते हैं। ऊपर से 3.5 mm जैक, उसके साइड में है नॉइस कैंसिलेशन स्लॉट, यहाँ पे है IR ब्लास्टर, राइट साइड में है लॉक स्क्रीन के लिए बटन और यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन, लेफ्ट साइड में है सिम इजेक्टर टूल जिसमें कि आप एक हाइब्रिड जो कि हाइब्रिड स्लॉट है जिसमें कि आप दो सिम या एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। नीचे से है सेकंड नॉइस कैंसिलेशन स्लॉट और माइक्रो USB स्लॉट।
और सामने फुल एचडी की स्क्रीन, यहाँ पे है प्रॉक्सिमिटी सेंसर और ये फ्रंट फेसिंग 5 मेगापिक्सल का कैमरा। नीचे 3 कैपेसिटिव बटन्स, पीछे है 16 मेगापिक्सल का PDAF सपोर्टेड कैमरा। उसके नीचे है डुअल टोन डुअल LED फ्लैश, उसके नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर। और ये जो है ये है मेटल बिल्ट, और ये जो है ऊपर का ये, और ये प्लास्टिक बिल्ट है। तो चलिए बिना देरी किए इसको शुरू कर लेते हैं। तो ये देखिए ये शुरू हो गया है, और ये लैंग्वेज पूछ रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं इंग्लिश इंडिया। नेक्स्ट। अगर आप देखेंगे कि गोल्ड कलर जो है उसको यहाँ पे एक है वो शाइनी ऐसा, मतलब शाइनिंग जो कॉर्नर्स उसके दिए गए हैं, जिससे कि ये बहुत ही ऐसा प्रीमियम लुक इसको मिल रहा है। तो ये देखिए चालू हो गए। ये पूछता है कि स्विफ्ट की गूगल कीबोर्ड, तो स्विफ्ट की हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ चलो इसको पैटर्न हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके कंफर्म। तो ये बोलता है कि आप फिंगरप्रिंट, ओके यू आर रेडी टू रॉक। क्या रॉक करते हैं देखते हैं। ओके एग्री, नॉट नाउ, फिलहाल के लिए यही थीम हम रख लेते हैं। नेक्स्ट। ओके तो इस तरह से हमारा Redmi Note 3 चालू हो गया है। ब्राइटनेस ज़रा सा हम बढ़ा लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें प्री इंस्टॉल कुछ भी ऐप्स नहीं है, गूगल ऐप्स जो कि थोड़े बहुत हैं। ओके टूल्स में है कैलकुलेटर, कंपास है, माय रिमोट, यहाँ पे WPS ऑफिस है। तो चलिए कैमरा चेक कर लेते हैं। कैप्चर बहुत फास्ट कर लेता है। ओके तो ये आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी अच्छी तरह से फोटो ले लेता है ऐसे में। ये देखिए इसको फोकस अच्छे से नहीं किया है तो ये अच्छा नहीं आया। अगर हम अच्छे से फोकस कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा फोटो दे देगा। देखिए फ्रंट कैमरा भी चेक कर लेते हैं।
अगर फ्रंट कैमरा भी देखते हैं हम तो काफ़ी अच्छे से डिटेल्स ये लेता है। कैमरा इंटरफेस भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा दिया है। तो चलिए सेटिंग्स में जाके हम देख लेते हैं इसका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। ये देखिए, और रैम 3 GB है, मॉडल नंबर रेडमी नोट 3 एंड्रॉयड वर्जन है, 5.1.1 MIUI है, 7.3 CPU हेक्साकोर जो कि स्नैपड्रैगन का है। तो अभी देख लेते हैं हम, ये देखिए हमने पूरे एप्लीकेशंस को क्लियर कर लिया है। तो ये बोलता है कि 1.5 GB रैम अभी खाली है, 3 GB में से 1.5 GB अभी खाली है, ऐसा ये बोलता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ एंड कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद।